हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और फिर वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, बहुत स्कोरिंग है और इस पे बेस्ड जो मैथमेटिकल फार्मूला है उस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो गैल्वेनोमीटर, हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत 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 छोटे करंट को रीड करता है, जैसे मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, और आपका जहाँ एमीटर है वो आपके एम्पियर में करंट को रीड करता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं। देखिए, ये आपका गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है। ठीक है, तो जी आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में बहुत 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 छोटे रेजिस्टेंस को। ठीक है, और इसको कहा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, और इसको शंट कहा जाता है, इसको शंट बोला जाता है। तो शंट क्या है आपका, बहुत 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 छोटा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो आपका अरेंजमेंट आपके पास आया, ये अरेंजमेंट आपका कहलाएगा एमीटर, ये एमीटर की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, हमने गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को पैरेलल में कनेक्ट किया और आपका जो अरेंजमेंट बन के आया ये आपका एमीटर कहलाएगा। ठीक है, फिर शंट क्या है, यहाँ शंट आपका बहुत 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 छोटा रेजिस्टेंस है। इतनी बातों का आप दिमाग में ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कुछ। और सपोज आपका आई मैक्सिमम करंट है जो आपका एमीटर रीड करेगा, ठीक है, और आई जी आपका वो करंट है जो आपका गैल्वेनोमीटर के लिए फुल स्केल डिफ्रेक्शन दिखाएगा, या आप ऐसा कहिए कि आई जी आपका वो मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है। ठीक है, पहले फुल स्केल डिफ्रेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। जैसे आपका पॉइंटर इनिशियली यहाँ था, तो आपने आई जी करंट दिया, तो उसके लिए आपका पॉइंटर है जो गैल्वेनोमीटर का, वो आपका डिफ्रेक्शन यहाँ तक दिखा दिया है, इसके बाद अब डिफ्रेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आई जी आपका वो करंट है जो आपका फुल स्केल डिफ्रेक्शन दिखा रहा है, इसके बाद आपका डिफ्रेक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर आप धीमे धीमे ज़्यादा करंट को बढ़ाते गए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका गैल्वेनोमीटर शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो आई जी हमें समझ में आ गया, आई जी हमारा वो मैक्सिमम करंट है जो आपका गैल्वेनोमीटर रीड करेगा। ठीक है, फिर इस ब्रांच में आपका कौन सा करंट जाएगा, इधर आई है, इधर आई जी चला गया, तो ऊपर क्या जाएगा आपका, आई माइनस आई जी, क्योंकि ये देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो करंट होता है स्प्लिट हो जाता है। इस ब्रांच में अगर आई जी है तो इधर ओरिजिनल आपका करंट आई था, तो इधर जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, अब देखिए जो क्योंकि शंट आपका गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, समांतर क्रम में कनेक्ट है, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभांतर होता है, वो हमारे पैरेलल में सेम होता है। यानी जो आपके शंट के अक्रॉस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही आपके गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, शंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फॉर्मूला वही है, वी इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे। तो आई यहाँ क्या है आपका, आई माइनस आई जी इंटू आर, रेजिस्टेंस क्या है एस, इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है आपका, आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी, जी क्या है गैल्वेनोमीटर का आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, एस हो गया आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कहिए चाहे ये वाला फॉर्मूला कहिए, इन दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं आप, और इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक है, तो शंट आपका ये फॉर्मूला आ गया, इसका ये शंट के लिए फॉर्मूला है। और हमने देखा कि कैसे हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, हमने सिंपली गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत ही छोटे रेजिस्टेंस को, जिसे शंट कहते हैं, पैरेलल में समांतर क्रम में कनेक्ट किया, तो जो अरेंजमेंट हमारे पास आया वो एमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात और, जो आपका एमीटर है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आपका आइडियल एमीटर है, यानी कि आदर्श एमीटर है अगर आपका, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। अगर आपके पास आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस आपका जीरो होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस आपका जीरो होता है। जीरो क्यों होता है उसको मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, एमीटर करंट को रीड करता है, तो करंट को रीड करने के लिए एमीटर को सर्किट में आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सपोज आपका बल्ब है
और ये आपका एमीटर हो गया। एमीटर ये कौन सा है, वही गैल्वेनोमीटर के साथ जो हमने शंट को पैरेलल में कनेक्ट किया, वही आपका ये एमीटर उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, हम यहाँ हम इसको इस तरीके से शो कर रहे हैं। और ये आपका बैटरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एमीटर क्या करता है, अगर एमीटर आपके पास एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो वो क्या करेगा, वो इस सर्किट का करंट को खाएगा। ठीक है, वो करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, बल्ब का भी, आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपने यहाँ लगाया है उसका भी रेजिस्टेंस होगा। तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस आपके ऐड हो जाएंगे, तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो सर्किट का ओवरऑल करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। करंट के घटने से, आपके रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट घटा, और करंट घटेगा तो ये एमीटर का काम नहीं है कि करंट को घटाए। ठीक है, एमीटर करंट को घटाने बढ़ाने का काम नहीं करता, एमीटर सिंपली करंट को रीड करने का, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, रीडिंग देता है वो। तो यहाँ आपका एमीटर का जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस आपका जीरो हो। ठीक है, आपका वैसे प्रैक्टिकली टेंस टू जीरो कहते हैं इसको, और आपका अगर आइडियल एमीटर की बात करें, एक आदर्श एमीटर की बात करें, तो उस केस में जो आपका एमीटर होता है वो उसका रेजिस्टेंस जो आपका होगा वो जीरो होगा। इसको ध्यान रखिएगा, और मैंने आपको समझा दिया क्यों होगा, क्योंकि एमीटर का अगर रेजिस्टेंस जीरो नहीं हुआ तो उससे जीरो नहीं हुआ या कुछ वैल्यू हुई तो उससे क्या होगा, ओवरऑल सर्किट का जो करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और ये काम आपके एमीटर का नहीं है। ठीक है, तो करंट पे कुछ फर्क ना पड़े इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एमीटर के रेजिस्टेंस को जीरो करते हैं। ठीक है, तो जो आइडियल एमीटर है, आदर्श एमीटर है, उसका रेजिस्टेंस आपका जीरो होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, धारामापी को हम कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ईजी है, देखिए ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस आपका बहुत हाई है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर जी आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये जो अरेंजमेंट आपका बना यही अरेंजमेंट आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका वोल्ट मीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका वोल्ट मीटर हो गया। आपका वोल्ट मीटर, आपने गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर को कैसे कन्वर्ट किया, तो हमने गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के साथ, तो जो अरेंजमेंट हमारे पास मिलकर बना वो वोल्ट मीटर कहलाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए आई जी आपका करंट होगा, जो जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी कि आई जी आपका वो मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास होगा। ठीक है, अब आई जी करंट इधर भी जाएगा, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर के साथ आपका आर सीरीज में कनेक्ट है, तो इधर भी आपका आई जी ही जाएगा। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं वी आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपका वोल्ट मीटर रीड करेगा। ठीक है, तो V क्या हो गया, V आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जो आपके वोल्टमीटर रीड करेगा। अब देखिए जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ऐड करेंगे किसके साथ, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा आपके V के। सही बात है, क्योंकि सीरीज है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो इसको करते हैं, देखिए V बराबर हो जाएगा किसके, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा आपका, आई जी इंटू जी, आई आर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ओम्स लॉ, प्लस यहां भी आपका आई जी ही जाएगा, सीरीज में कनेक्ट है तो ये होगा आई जी इंटू, सॉरी यहां मैंने आर लिख दिया, इसको यहां जी लिखिए, ये जी होगा और इधर होगा आपका आई जी इंटू आर। ठीक है, आई जी आपका करंट यहाँ भी जाएगा तो आई जी को आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल गया हमारा। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई जी इंटू जी को इधर ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर आ गया आपका आई जी इंटू आर, यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, ये देखिए वी माइनस आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई जी। ठीक है, फिर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं वी अपॉन आई जी माइनस आई जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका जी आ जाएगा। तो
R की वैल्यू हमने R के लिए फॉर्मूला निकाल दिया, V अपॉन IG माइनस कैपिटल G, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। और कैसे हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया, तो सिंपल है, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया और इस तरीके से हमने उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि आपका जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस आपका जीरो होना चाहिए, तो आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस वो आपका इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। उसका रीजन क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने एमीटर के बारे में बताया आपको कि एमीटर आपका जो है वो आपका सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, उस तरीके से आपका एमीटर करंट को रीड करता है, और जो वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को जो नोट रीड करने वाला है उसको हम सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सपोज कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके साथ हम क्या करेंगे वोल्टमीटर को, अब ये वोल्टमीटर मैंने इक्विवेलेंट दिखा दिया उस सर्किट के इक्विवेलेंट, ये आपका वोल्टमीटर रख दिया मैंने सीधा, तो ये आपके पैरेलल में कनेक्ट होता है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ। ध्यान रखिएगा एमीटर आपके सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, जो वोल्टमीटर है वो आपके सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अगर वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, अगर अनंत हुआ, इनफाइनाइट हुआ, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ ये जो करंट जा रहा होगा आई, वो इधर करंट को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, इस ब्रांच में आपके करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आपके पास जो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इतना हाई है कि उसकी वजह से यहाँ करंट आपका नहीं जाएगा, तो सारा का सारा करंट आपका इस वाली ब्रांच में जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो आप इजीली निकाल सकते हो और करेक्ट वैल्यू आएगी। और अगर वोल्टमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो परेशानी क्या आएगी कि खुद का अगर इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए इनफाइनाइट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट आपका इस ब्रांच में जाएगा ही जाएगा, और कुछ करंट अगर इस ब्रांच में गया तो यहाँ पे जो करंट जाएगा, देखिए आई जी इस वाली ब्रांच में गया तो इधर जो करंट जाएगा अब आपका आई माइनस आई जी जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आप इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस जो रीड करोगे, जो नोट करोगे, वो आपको हमेशा कम मिलेगा, जो आपका ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी ये जो जो आपकी प्रॉब्लम है जो उसको ओवरकम करने के लिए आपका जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट रखा जाता है, अनंत रखा जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चे जनरली इसी में कंफ्यूज करते हैं कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है कई बार इनफाइनाइट लिख लेते हैं, ऐसा मत करिएगा। आइडियल एमीटर का जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है, क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। फिर आइडियल एमीटर का आपका आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो गया, आइडियल वोल्टमीटर का आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है, उसका रीज़न भी मैंने बता दिया, इनफाइनाइट इसलिए होता है ताकि जिस ब्रांच में आपके वोल्टमीटर कनेक्ट है उससे आपका करंट ना हो, ना फ्लो करे, और उसी ब्रांच में आपका करंट फ्लो करे जिसके अक्रॉस हमने, जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया, ईजी था, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।